हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस एंड वी वर डिस्कसिंग चैप्टर 5 दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड इन दिस चैप्टर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एग्जांपल्स फॉर इंडिकेटर. टुडे आई एम टेकिंग सम अनदर एग्जांपल्स अदर देन लिटमस. फर्स्ट आई एम टेकिंग द चाइना रोज. आपके स्कूल में चाइना रोज़ बहुत लगे हुए हैं. जैसे ही आप स्कूल में एंटर करते हो तो एंटर करते ही रेड कलर के, जिसे हम गुड़हल भी बोलते हैं हिंदी में, हिबिस्कस इसका साइंटिफिक नेम होता है. तो जो चाइना रोज़ है, जो रेड कलर के बड़े बड़े फ्लावर्स हैं, ये भी एक इंडिकेटर का काम करता है. किस तरीके से करेगा? सबसे पहले हम इन फ्लावर्स को कट करके और इन्हें बॉइल्ड वाटर में डिप कर देंगे थोड़ी देर के लिए. तो क्या होगा, थोड़ी देर में जो वाटर है वो पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाता है, यानी थोड़ा कलरफुल हो जाता है. ठीक है, तो अब ये जो चाइना रोज़ का की वजह से जो कलर हुआ है, रेड कलर थोड़ा सा हुआ है ना, ये चाइना रोज़ का क्या है, चाइना रोज़ वाटर एज इंडिकेटर. ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस वाटर को अगर आप एसिड्स में डालते हो, ये मैंने कुछ एसिड लिया है, यहाँ पे एसिड ले लिया मैंने, अगर आप इसको एसिड में डालते हो देन इट टर्न्स इनटू पिंक कलर या मैजेंटा कलर में ये चेंज हो जाता है. बट अगर इसको आप बेस में डालते हो, ये मैंने बेस लिया यहाँ पे, अगर आप इसको बेस में डालते हो इस वाटर को, चाइना रोज़ के वाटर को, तब ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा. कैसा हो जाएगा, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा. तो चाइना रोज़ वाटर भी क्या है, एक तरीके का इंडिकेटर का काम करता है. उसके बाद में एक और इंडिकेटर आता है, दैट इज़ फिनोफ्थलीन. देखिए, ये आप जब स्कूल में आएंगे, ओके, देन मैं आपको फिनोफ्थलीन का करके टेस्ट दिखाती हूँ. क्योंकि अगर मैंने ये वीडियोस लास्ट ईयर मैंने प्रैक्टिकली दिखाया था, बट फ़ोन में क्या होता है बेटा, कलर चेंज अच्छे से नहीं दिखाई देते, है ना, इसलिए मैंने इसको अभी अवॉइड कर रही हूँ. क्योंकि लास्ट ईयर के वीडियोस में जब मैंने ये प्रैक्टिकली वीडियो में मैंने दिखाने की कोशिश करी, तो कलर चेंजेस किस तरीके से होते हैं वो हमें क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं. तो फिनोफ्थलीन भी क्या है, एक आर्टिफिशियल या सिंथेटिक, ठीक है, कैसा है ये, सिंथेटिक इंडिकेटर है, है ना. सिंथेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मैन मेड है ना. तो फिनोफ्थलीन को क्या करते हैं, अगर हम फिनोफ्थलीन को, ये मैंने एसिड लिया, ठीक है, और ये मैं इसमें दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या ले लेती हूँ, बेस ले लेती हूँ, ये बेस मैंने लिया है. तो अगर आप फिनोफ्थलीन को एसिड में डालोगे देन नो चेंजेस, कोई भी आपको चेंज दिखाई नहीं देगा. लेकिन फिनोफ्थलीन को आप बेस में डालते हो देन पिंक कलर आपको दिखाई देगा. कैसा कलर दिखाई देगा बेस में फिनोफ्थलीन का, पिंक कलर हमें दिखाई देगा. सो फिनोफ्थलीन भी क्या है, एक इंडिकेटर है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर बोलते हैं, क्योंकि ये मैन मेड है. चाइना रोज़ कैसा हो जाएगा बच्चों, चाइना रोज़ कैसा हो जाएगा, नेचुरल इंडिकेटर, क्योंकि नेचर से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है ना, तो नेचुरल है, ठीक है. जबकि फिनोफ्थलीन कैसा है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, ओके. इसके बाद में एक वर्ड और आप सुनते हो मोस्टली, कई जूनियर क्लासेस में अभी आपने सुना होगा, दैट इज एसिड रेन. क्या है, एसिड रेन, ठीक है. अब एसिड रेन किस तरीके से होती है, नाम से तो समझ ही गए होंगे, बारिश होना, और बारिश में क्या होना, वाटर के साथ में एसिड की क्वांटिटी लार्ज अमाउंट में होना. तो अगर एसिड रेन कहीं पर होती है तो उससे क्या हो जाता है, सॉइल ख़राब हो जाती है, वहाँ की प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं, और एनिमल्स पे भी स्किन पर इरिटेशन या स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. तो एसिड रेन किस तरीके से होगी, अगर एटमॉस्फेयर में, है ना, एटमॉस्फेयर मतलब एयर में, एटमॉस्फेयर इट मीन्स एयर, एयर में अगर पॉल्यूशन ज़्यादा हो, CO2, NO2, SO2 गैसेस की क्वांटिटी क्या हो, गैसेस जो हैं, इफ CO2, NO2, SO2 गैसेस आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट एज पॉल्यूटेंट्स, ठीक है. अगर ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो पॉल्यूटेंट्स की तरह, तो क्या होता है, ये क्या कर लेते हैं, जैसे ही बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है, पानी H2O होता है,
है ना, वाटर होता है, तो वाटर के साथ में ये जो गैसेज होती हैं वो क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती हैं और क्या बनाती है। देखो पानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती है तो इस तरीके से कार्बनिक एसिड बनाती है, और वाटर जब SO2 के साथ में, यानी ये जो गैसेज है जब पानी में घुल जाती हैं तो H2SO4 बनता है, जो भी एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से अगर H2O NO2 से रिएक्शन कर लेता है, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर पानी में घुल जाती है तो HNO3 एसिड बनता है। तो ये सब क्या है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं हम इसको। ये तो क्या है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और ये कार्बनिक एसिड। तो इस तरीके से ये वाटर के साथ में ये एसिड मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं, जब ये हाई क्वांटिटी में एयर में होती है तो ये पानी के साथ घुल जाती है, और घुलने के बाद पानी के साथ में ये एसिड रेन ड्रॉप्स के साथ में ज़मीन पर, यानी कि नीचे की तरफ आने लगते हैं। तो इस वजह से इस तरीके की बारिश कहाँ देखने को मिलती है, जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, या जहाँ पर एटमॉस्फेयर में CO2, NO2, SO2 जैसी गैसेस लार्ज अमाउंट में होती है, तो वहाँ पर पानी के साथ में एसिड की क्वांटिटी क्या होगी, बहुत अधिक मात्रा में या अधिक क्वांटिटी में हमारे इसके ज़मीन तक पहुँचती है, अर्थ तक पहुँचती है, और उसे को ही हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।